एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज शादी ख़त्म हो चुकी है, आज लास्ट धाम वाला दिन था। तो आज अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे दुल्हन के साथ दरौंज में। वो जाएगी अपने घर, जाती है दुल्हन मतलब शादी के बाद। तो अभी हम काशापार जाएंगे और मैं इस शादी में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसी चीज़ के लिए, देखिए मुझे काशापार जाने को मिलेगा। तो अभी सब नीचे डांस रूम सो रहा है, थोड़ी देर में मतलब आधे ही घंटे में निकलेंगे हम। और आज इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आके और पहली बार धूप लगी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम तेज़ धूप लगी है, नहीं तो ठंड से मर गए थे हम इतने दिनों से। यहाँ से जो व्यू है ना सामने का, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एकदम घना जंगल और पहाड़ी पहाड़ है। और अभी भी वहाँ पे उस रेंज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और वहाँ पार जो आपको गोल्डन गोल्डन टेंपल दिख रहा है वो है यहाँ की माता का, मतलब जो यहाँ की है मनसा माता का मंदिर। शायद आज थोड़ी देर में या फिर कल जाएंगे हम वहाँ पे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। मैं खुद भी नहीं गई हूँ वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और फिर आजकल माता भी अपने मतलब यहाँ नहीं है, वो गए हैं किसी मेले में, तो आज शाम को आएंगे वो, तो फिर हम जाएंगे शायद शाम को या फिर कल। तब अपनी होती लगी आप लगी हुई थी और बड़े बड़े सुबह से निकाल दिए मैंने बाहर बच्चे लोग इन कोई पहन लोग नहीं लड़की लड़के ये पहन लड़के ये कहाँ से मंगा रहे हैं? एक तो ये खुद ही लेके नहीं आया, ऊपर से अब दूसरों से मांग रहे कि वर्मा लग दो। अब पहना है तो ही फोन लाइव ना चल उसमें डाल दी है, ये मेरा ब्लॉग है इसे डाल दी और देश आपको के साथ। हेलो भैया शक्ल तो दिखाओ, शक्ल लेकिन कोई शक्ल दिखाओ आगे अपनी। ये है दूल्हा, ये दुल्हन, हम एक्स्ट्रा बंदा है ही नहीं यहाँ पे यार, कोई टिकट कोर्ट में जाना है जो पतला सा दिखाई दे रहा है और ढांगते हो गए सभी अंकल। रोड देखो इतना खतरनाक रोड, नीचे सीधा ढांग एकदम। आप लोगों से ज्यादा मेरे को मेरी जिंदगी प्यारी है तो फिर इनको तो नाचना नहीं आया, मेरे को तो आया था थोड़ा। अब तक जी की जाएंगी तब तक शादी होगी, चार पाँच साल नहीं ऐसी बात नहीं है, नाचा तो हूँ मैं। आज गए को नहीं नाचे वो ना, इनको तो जबरदस्ती निकालना पड़ा, तो अंदर घुस गए थे मम्मी के कमरे में। और नीचे कितना खतरनाक ढाक है, पास आएगा चलिए। ये है मजनाला और यहाँ का पानी बहुत फेमस है, पता नहीं क्यों ये नहीं पता मुझे। और जब यहाँ रोड नहीं था तो यहाँ से जाते थे पहले, इस वाले रास्ते से इन ढाक ढाक में ऊपर काशापार। संतान बनाऊंगा केटीएम, दुख देकर सुख दिखाऊंगा। स्पेशली वीडियो बनाने के लिए मैं यह गाड़ी रुक गया और मैं आपको दिखाती हूँ कितना खतरनाक ढाक।
ही सुंदर दो वाटरफॉल है ना। इनकी पानी की आवाज यहाँ तक आ रही है। मेरे को तो इतना मजा आ रहा है ना, इतना एडवेंचर फील हो रहा है ना भाई। अभी हमारे को वो पार्ट टावर है ना जो उसके पीछे जाना है, उसको क्रॉस करके। वो लोग अभी आगे रुके सारे, पता नहीं उनको शॉप से कुछ सामान लेना है तो इसीलिए सब आगे रुके और मैं आई हूँ यहाँ। इसको देख के मैं रह नहीं पाई बिल्कुल भी, कितना मस्त है। मुझे ना यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि मैं क्या चीज़ लूँ, क्या चीज़ कैप्चर करूँ, यहाँ भी वीडियो वहाँ भी वीडियो, इधर फोटो उधर फोटो, मतलब यहाँ सब कुछ इतना अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। मतलब पूरी शादी में ये मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। मज़ेदार। ये लोग अभी भी नहीं आ रहे, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, वैसा क्या ही ले रहे हैं। और आज तो मौसम भी बहुत दिनों बाद इतना साफ हुआ है ना, नहीं तो बारिश होती तो फिर तो। ये लोग तो इधर आने से रहे तो मैं ही जा रही हूँ परे, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं अभी तक। और ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं क्या, अकेले बड़बड़ा रही है। यहाँ से हमारे को ऊपर जाना है अभी घर के लिए, इस पहाड़ को चढ़ते हुए भाई। कहाँ सपाटा है और चट्टानों पर चढ़े तो ऐसा हो सकता है क्या? चलो चलो जल्दी, इधर साथ में मस्त नाला। यहाँ देखो एकदम पत्थर वाला पुल लगाया है। इसको दिखा रही थी वीडियो बना, ये सारे इकट्ठे करके मेरे पास ही जाओ, मैं बना दूँ सब जगह डॉक्यूमेंट्री हमारी बना दे। जो आदमी है नए नए, ये है दूल्हा, ये है दुल्हन, ये है पीछे से बराती, बराती ये रिनर जाना कहाँ है ये पता नहीं है मुझे, मैं चली में सबसे आगे हूँ भाई, कॉन्फिडेंस। ये है बावड़ी, ये आते हैं कपड़े धोने, ये वाली लड़की। अच्छा दूल्हा दुल्हन हमारे बैठे हैं यहाँ मस्त। दूल्हा तो तगड़ा ही चमक रहा है यार, ये क्या हो गया? लाइट यहाँ पता है शादी का ग्लो भैया के चेहरे पे साफ देखा जा सकता है। आप अभी 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 बोलेंगे कि मैं पहले से ही हो रहा था ओवर कॉन्फिडेंस। मैं लाड़ी से भी अच्छे से लगा लेते हैं। अब लग रही हूँ बढ़िया।
तारीफ ना करें तो आपको खुद अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए। इसमें यहाँ से जो सामने का नज़ारा दिखता है ना भाई, आप सीधा ही बर्फ ही बर्फ ऐसा लगता है ना, मतलब अगर फोन में उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ही सामने देखने में, मतलब क्लियरली आप देख भी नहीं पाओगे, आंखें आपके सी ब्लिंक करेगी। तो अभी हम लंच करके फ्री हो गए और बाकी सब वहाँ पे बिजी है। तो अभी मैं जा रही हूँ काशा घूमने, मतलब वहाँ मंदिर है। तो ये है मेरा गाइड जो मेरे को आज काशा घुमाएगा। बैल के रास्ते पीछे से आएंगे, थोड़ा बैल से पीछे से। ये है बैल भाई, हमारे रास्ते में पहली रुकावट। मारता तो नहीं है, ओ भाई साहब बैल जी को यहाँ बांधे गए हैं। और चलो चलते हैं। अभी यहाँ पे तो मस्त सेबों में फ्लोरिंग हो रही है, हमारे यहाँ पे तो सेब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। यहाँ ना हर जगह पानी पानी है, बहुत सारे नाले हैं। ये है पूरा गांव काशा का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और सामने का व्यू तो भाई सुंदर से भी अति सुंदर है। मुझे तो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का वापस। तो हम मंदिर पहुँचने वाले हैं अभी, यहाँ पे माता का मंदिर है। ये वाला अच्छा, ये वाला है। अच्छा अच्छा माता का मंदिर और ये इधर की घर। तो अभी प्रिंस मुझे अपने गांव का पार्क दिखाने लाया है। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा इंटीरियर एरिया है तो यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी यहाँ पे फुल है। पार्क भी बन रहा है मस्त, यहाँ बनेगा इनका पार्क। और ये देखो भाई खेत, क्या खेत है, एकदम हरे भरे मस्त सीधे। और मेरा गाइड बहुत अच्छा है भाई, इसको सब पता है, पूरा एरिया ने मेरे को बहुत अच्छे से दिखा दिया है। The next morning.